दसवां अध्याय। देवताओं ने मधुर स्वाद से युक्त विशिष्ट अन्न रस से संपन्न राजाओं को भी सेवन करने योग्य चेतना देने वाले ज्ञान को प्राप्त करने वाले जलों को ग्रहण किया। जिन जलों से मित्रा वरुण देवता को अभिषेक किया उन जलों को ग्रहण करते हैं। देवों ने मधुर बलवान राज शक्ति देने वाले चैतन्य बढ़ाने वाले जलों का ग्रहण किया। इससे देव मीठे बलवान राज्य संपन्न चैतन्य उत्पन्न करने वाले जीवन से संपन्न हुए। अतः जो इन गुणों को धारण करेंगे वे भी इन्हीं गुणी बनेंगे। जिन गुणों से इंद्र के शत्रु दूर हुए वे ये गुण हैं। वे गुण ये हैं मधुरता बल तेजो युक्त शक्ति राज्य करने की शक्ति राज्य शासन करने का ज्ञान सुविचार प्रेरणा देने वाले सुविचार शांति बढ़ाने वाला जीवन। ये गुण राज्य शासन करने वाले पुरुषों में होने वाले आवश्यक हैं। जिस कारण आप वल संवर्धक ज्ञान को प्राप्त कराने वाला और राष्ट्र का प्रदाता है इससे मुझे सत्य नीति द्वारा राष्ट्र का प्रदान कर और तू सुख की वृद्धि करने वाला और राष्ट्र का प्रदान करने वाला हो। अतः उसको राष्ट्र का प्रदान करो। तू राष्ट्र का देने वाला और बलवान सेना से युक्त है। मेरे लिए सुंदर वाणी के साथ राज्य को दो तथा तू राष्ट्र देने वाला और बलवान सेना से युक्त है। मेरे लिए सुंदर वाणी के साथ राज्य दो। राज्य को देने वाले बलवान सेना से युक्त हो इसलिए तू उसके लिए राज्य को दो। तू बल को बढ़ाने वाला और राष्ट्र को देने वाला है। मुझे राष्ट्र दो उसको राष्ट्र दो मैं और राष्ट्र शासन करने वाले हैं। अतः हमें राष्ट्र के शासन में भाग प्राप्त हो। मैं बलशाली सेना के साथ हूँ अतः मुझे राष्ट्र का प्रदान करो। जिसके पास उत्तम सेना है उसको राष्ट्र प्राप्त होना योग्य है। जलों आप्त पुरुषों तुम अर्थ प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने हो अतएव तुम भी एक राष्ट्र को देने वाले हो। तुम लोग मे राष्ट्रम स्वाहा दत्तम उत्तम रीति से मुझे राष्ट्र प्रदान करो। हे वीर पुरुषों तुम लोग ऐश्वर्य के बल के कारण समर्थ हो अतः राष्ट्र दिलाने वाले हो। तुम लोग और राष्ट्र को देने में समर्थ हो अतः मुझे राष्ट्र प्रदान करो। तुम लोग ओजस्वती राष्ट्रदायस्ता अमुष्मय राष्ट्र दत्ता महान बल से युक्त राष्ट्र देने में समर्थ हो अतः उस योग्य पुरुष को राज्य प्रदान करो। हे वीरों तुम परिवाहिणी राष्ट्रदा अतः राष्ट्र प्राप्त करने में समर्थ हो मुझे राष्ट्र प्रदान करो। अतः अमुक योग्य पुरुष को राष्ट्र प्रदान कर। तू ही अपाम गर्व असी राष्ट्रदा राष्ट्रम में देहि स्वाहा जलों को अपने अधीन रखने में समर्थ हैं अतः मुझे राष्ट्र अच्छी प्रकार प्राप्त है। जलों को वश में करने में समर्थ हूँ राष्ट्र प्राप्त कराने वाला है अतः अमुक योग्य पुरुष को राष्ट्र प्रदान कर। स्वामी होने योग्य जो होगा उसी को राष्ट्र का शासन अधिकारी बनना योग्य है। ऐसे योग्य पुरुष को ही राज्य शासन अधिकार प्राप्त हो। राजा का पराक्रम पृथ्वी पर होता है अतः पृथ्वी आश्रय स्थान है। हे प्रजा के पालक इन समस्त नाना रूप वाले पदार्थों तथा चर अचर प्राणी शरीरों के ऊपर तुझको दूसरा कोई स्वामी नहीं है। हम लोग जिस कामना से तुम्हारे निमित्त हवन करते हैं वह कामना हमारी पूर्ण हो इसका अमुक पिता है। हम इस प्रकार तुमको पिता स्वीकार करते हैं। तेरे द्वारा हम सब उत्तम व्यवस्था और धर्मानुकूल आचरण द्वारा ऐश्वर्यों के स्वामी बने। हे तेरा तेज जो श्रेष्ठ उत्कृष्ट नाम स्वरूप सर्वहंता का अधिकार है उस पर तू रहा है। तू घर घर में पूज्य आदर के योग्य है। यह आहुति भली प्रकार गृहित हो। इंद्र वज्र हैं शासनकारी मित्र वरुण देवता के प्रशासन से तुमको युक्त करता हूँ। तुझको अपनी चीज को धारण करने के लिए नियुक्त करता हूँ। किसी से भी हिंसक न होकर अति प्रदीप्त तेजस्वी होकर शत्रुओं को मारने वाले वीरों के उत्कृष्ट बल से विजय प्राप्त कर। हम लोग मनसा इंद्रियेण सा आपाम मनसी तथा बल से भी तेरे साथ मिले हैं। हे तुरा साट वज्र हस्तम इंद्र शीघ्र ही शत्रुओं को पराजय करने में समर्थ हाथ में वज्र धारण करने वाले ऐश्वर्यवान और हे देव दिव्य गुण युक्त तुम यम रथम अधिष्पति सुशान माँ विदास तुम्हारे से अलग होकर हानि को प्राप्त ना करें। ज्ञान से रहित होकर ना रहें अर्थात हम नास्तिक ना हो। ग्रह पालक अग्नि के निमित्त आहुति हो। वनस्पतये सोमाय स्वाहा
वनस्पति रूपी सोम के निमित्त यह आहुति हो। मरुताम ओज से स्वाहा मरुत गणों के बल के निमित्त यह हवि हो। इंद्रिय स्वाहा इंद्र के बल के निमित्त आहुति हो। मातृभूमि तुम माम हिंसी मेरा विनाश मत करो और मैं तुमको क्लेश ना दूं। शुद्ध आचरण करने वाला प्रजाओं को बसाने वाला अंतरिक्ष में रहकर सबका पालन करता यज्ञ में आहुति देने वाला भूमि रूप वेद पर प्रतिष्ठित अतिथि के समान सर्वत्र पूजनीय है तो ही बड़े बड़े कष्ट सहन करके पालन योग्य राष्ट्रभृत रूप में विराजमान समस्त नेता पुरुषों में प्रतिष्ठित सत्य पर आश्रित विशेष रक्षाकारी जलों का उत्पादक पृथ्वी पर विशेष सामर्थ्यवान सत्य विद्याओं का प्रसिद्ध करता न विदीर्ण होने वाले अवैध बल से संपन्न सब लोगों में सबसे महान और सत्य रूप बलवीर को धारण करने वाला इतना बड़ा है तू ही जीवन स्वरूप है मुझ में आयु प्रदान कर सबको शुभ कर्मों में जोड़ने वाला है। तेज स्वरूप है अतः मुझ में तेज प्रदान कर बल स्वरूप है मुझे बल प्रदान कर। हे मित्र और वरुण वाम वीर कर्ता इंद्रस्य बाहु तुम दोनों सामर्थ्यवान इंद्र के दो बाहुओं के समान हो मैं तुम दोनों को उसके समीप ले जाता हूँ। तू सुख कारिणी है तू सुख से बैठने योग्य है राष्ट्र के रक्षाकारी बलवीर उत्पत्ति स्थान है सुख से बैठने योग्य इस असंध पर विराजमान है और सुख से बैठने योग्य इस राजगद्दी पर विराजो और छत्रस्य योनिम आसीद छत्री बल के परम आश्रय रूप इस राजगद्दी पर बैठो। शत्रुओं को पराजय करने में समर्थ कल्पताम ये पांच दिशाएं तेरे लिए सुखकारी हों। महान शक्ति वाले ब्रह्मा बड़ा ज्ञानी हैं सत्य प्रसवह सविता असि सत्य व्यवहार का उत्पादक देव हैं। तू सत्य पराक्रमशील वरुण है तू प्रजाओं के द्वारा पराक्रम करने वाला इंद्र है सुखपूर्वक सेवा करने योग्य रुद्र है और बहुत से कार्यों को निभाने वाले हे श्रेयस्कर कल्याण करने वाले हे भूयस्कर अत्यंत समृद्धि के कर्ता इंद्र का वज्र है तेन मे रथ्य उससे मेरे लिए सिद्धि प्रदान कर। अग्नि विस्तृत महान पुरुषार्थ युक्त धर्म का पालक है उसी प्रकार अग्नि प्रथु धर्मणा पति स्वाहा आजस्य वेतु सबका अग्रणी तेजस्वी राजा विशाल शक्ति संपन्न और राज धर्म का पालक होकर उत्तम सत्य पर आश्रित व्यवस्था से पराक्रम को प्राप्त करे। हे स्वाहा कृता उत्तम ऐश्वर्य आदि देकर बनाए गए अनाधिकारी पुरुषों तुम लोग सूरस्य रश्मि सता जानम पद्यमेष्टाय यतद्धम सूर्य की किरणों से बलवान होकर इस अपने राजा के समान शक्ति में समर्थ राजाओं के मध्य में रहकर कार्य संपादन के निमित्त यत्न करो। समस्त ऐश्वर्यों के उत्पादक सविता के दिव्य गुणों से उत्तम विज्ञान युक्त वाणी से रूपों के अधिष्ठात्री देवता प्रजापति के रूप से पशुओं के युक्त पूषा से वेद के ज्ञान से युक्त वाक्पति वेदज्ञों से अपने आप स्वयं इंद्र राजा रूप पराक्रम से युक्त वरुण से तेज से युक्त अग्नि से राजा स्वरूप सोम से दस गुण युक्त विष्णु से इन दस देवता प्रसूत सपर अर्थात विशेष गुणों द्वारा प्रेरित या शक्तिमान होकर मैं आगे उत्कृष्ट मार्ग पर प्रगति करा रहा हूँ। तुम सूर्य चंद्रमा के समान अध्यापक उपदेश के द्वारा शुद्ध बुद्धि वाले हो सरस्वती पंचस्व अच्छी शिक्षा युक्त वाणी के लिए अपने को परिपक्व करो। राष्ट्र की उत्तम रीति से रक्षा करने वाले परम ऐश्वर्य या राजा के लिए स्वयं परिपक्व बलवान होने का यत्न करो। पवित्रेण वायु पूतम प्रत्यज्ञ सोम अस्त्र इंद्रस्य शुद्ध धर्म के आचरण से वायु के समान निर्दोष पूजा को प्राप्त अच्छे गुणों से युक्त ऐश्वर्य वाले अत्यंत ज्ञानवान पार परमेश्वर से युक्त सखा योगाभ्यास युक्त मित्र हो जाओ। हे ज्ञानवान जो बहुत ऐश्वर्य वाले तुम अश्विनी कुमारों के उत्तम नियमों द्वारा प्राप्त हुए हो विद्या युक्त वाणी के लिए तुमको उत्तम ऐश्वर्य के निमित्त था तुझको प्रजाओं की उत्तम शिक्षा और रक्षा करने के लिए हम लोग प्राप्त करते हैं। नमः जो वृद्ध पुरुष अन्न के कथन को कहते हैं उनके लिए सत्कार के साथ तुम भोजन आदि प्रदान करो जैसे बहुत जौ आदि से युक्त खेती करने वाले किसान इस व्यवहार में यद आदि अन्न को क्रम से काटते हैं भूसे में जो भी जौ आदि पृथक पृथक करके रक्षा करते हैं
इन सबों की सत्य असत्य को विचार करके दुष्टों को नष्ट कर श्रेष्ठों की रक्षा करो। सर्वजन हितकारी अश्विनी कुमार नमुचि संज्ञक दैत्य में स्थित शुभ कर्म के पालक, तुम दोनों ने उन कार्यों में इंद्र को पालन करने वाले हुए हो। इंद्र दोनों अश्विनी कुमारों ने काव्यों से अशुद्ध इसका पान कर विपत्ति को प्राप्त हुए तुम्हारी रक्षा की, जिस प्रकार माता पिता पुत्र की रक्षा करते हैं। हे इंद्र, जब नमुचि बद आदि कर्म करके प्रसन्न करने वाले सोम को तुमने पान किया, तब माँ सरस्वती वाणी ने तुम्हारी सेवा की।